जी नमस्कार, मेरे तरफ से आपको नमस्कार है। मेरा नाम अजय सागर है जी और मैं इस फिल्म में एज ए लीड कर रहा हूँ। क्या बात है, और कोशिश है, एक जो अच्छे से चल रहा है, अभी आगे देखते हैं और भी कोशिश करेंगे अपने तरह से। तो यही पूछना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया कि क्या प्रोजेक्ट है और किस तरह का रोल निभा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में आप। इसमें एक ऐसा है कि कॉलेज ग्रुप है अच्छा और कॉलेज के ऊपर सारा कहानी है। एक यूनिक चीज़ है उसमें कि ओके एक दोस्त, एक जिगरी दोस्त कैसे अपने दोस्त को धोखा देता है और इतना बड़ा गद्दार निकलता है, शायद दुनिया में कोई ना हो, इस तरह का कॉन्सेप्ट है वो। और बहुत ही अच्छा है, इसमें 6 गाने हैं, ओके बहुत अच्छे गाने हैं, शायद आप लोग भी सुने होंगे कुछ थोड़ा बहुत। जी और जो भी हो रहा अभी तक बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा होगा आप लोगों के साथ से, ये मैं बहुत विश्वास है कि सब अच्छा ही होगा। तो ये भी जानना चाहूंगा कि ये डेब्यू फिल्म है आपकी, पहली फिल्म है या इससे पहले भी अपनी किसी फिल्म में काम किया नहीं, आपने। ये मेरा डेब्यू है और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं काफ़ी संघर्ष किया है, अच्छा मान के चलिए मेरा 10 साल निकला इसमें। बाप रे, और कदीर भाई जैसे बहुत बड़े एक इंसान मिल गए जो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और हम साथ में मिलकर अच्छा करेंगे और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। थैंक्स सर। आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले पहले तो तो आपका परिचय जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है। मेरा नाम साक्षी है, मैं बेसिकली नागपुर से हूँ और मैं इस कॉलेज मूवी का एक हिस्सा हूँ। कैरेक्टर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, बट हाँ मैं ये मूवी कर रही तो ये हूँ। फर्स्ट प्रोजेक्ट है आपका, पहली बार फिल्म में काम नहीं, कर रहे हैं। मैंने बेसिकली आई एम मराठी फिल्म इंडस्ट्री, ओके, आप मराठी फिल्म। मराठी में मैंने एक मूवी की एज ए लीड में जो आफ्टर सम मंथ रिलीज होगी, अच्छा, तो कुछ बताने कौन सी फिल्म है वो। बरवा नाम है उसका, अच्छा, एज ए लीड प्ले किया है मैंने उसमें। तो मुंबई में कैसा अनुभव है, अभिनेत्री बनने आई हैं, कैसा अनुभव रहा अभी तक। या मैं अभिनेत्री बनने आई हूँ मुंबई में। यस, सर कैमरा देखिए ना, तो परिचय जानना चाहूंगा आपका, बताना चाहूंगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट से जुड़े या हैं आप। माई सेल्फ अर्श राणा, आई एम फ्रॉम लखनऊ। आई गॉट माई एजुकेशन इन फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैंने 7-8 फिल्में एज ए राइटर लिखी हैं और अभी मैं रिसेंटली ही इज़ बैक करके अमित जी की फिल्म लिख रहा था, तो मेरे नरेशन पे अब्दुल कदीर साहब आए और मुझे एक सब्जेक्ट नरेट किया कि इस सब्जेक्ट को मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट करें। तो मैंने उस सब्जेक्ट को उनसे सिनॉप्सिस लिया और उसके बाद उसको एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद मुझे पता चला कि काफ़ी एक ऐसा कमर्शियल अप्रोच है अब्दुल कदीर साहब का जिसका 8 सेक्शन बहुत मजबूत है। क्योंकि सर सिनेमा जो है, तो थोड़ा डिटेल में मैं बताना चाहता हूँ बताइए बताइए कि सर। अब्दुल कदीर जो इस मुलाकात का जो सबसे मेन जो वर्जन जो सामने आया है, कि जब इन्होंने जो मुझे जब पिच किया सब्जेक्ट, तो मुझे उसमें एक ऐसा हुक दिखा कि आज जो सेल्फी है, आज हर इंसान अपने हर स्पेशल मोमेंट को शूट करता है, कैश करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हैबिट बन गया है, कुछ लोगों को सेल्फी का एडिक्शन हो गया है, वो अपनी ज़िंदगी का हर एक माइक्रो सेकंड को शूट करना चाहते हैं, यहाँ तक कि घर से कोई जनाजा भी निकल रहा होता है तो भी लोग उसको शूट करने की कोशिश करते हैं, जलते हुए लोगों को शूट किया जाता है, सेल्फी ये वो तमाम चीज़ों के अगेंस्ट एक ऐसा प्रयास है ये कि इसके नेगेटिव शेड्स क्या हैं, इसका नेगेटिव माइलेज क्या मिलने वाला है, इन सारी चीज़ों का। कि सेल्फी लेते हैं तो हम ऑफ फॉरवर्ड तमाम दोस्तों को करते हैं, लेकिन वो उसको किस तरह से उसका नेगेटिव एडवांटेज उठाना चाहते हैं लोग, उसी के ऊपर बेस्ड है। और ये बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे इश्यूज को रिवील करेगी, पर्दाफाश करेगी। तो इस फिल्म में नए कलाकार हैं, नए कलाकार के अलावा कोई ऐसा जाना पहचाना चाह रहा है इंडस्ट्री का इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और ओके यशपाल शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा वगैरह तमाम लोग हैं। ओके और लेकिन इस फिल्म के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये फिल्म हम बना क्यों रहे हैं। देखिए, फिल्म जो होती है सर, 3 तरह की होती है, ओके एक अच्छी फिल्म, एक बुरी फिल्म और एक कामयाब फिल्म। हम एक अच्छी फिल्म बनाने की क्या बात कोशिश है, कर क्या रहे बात हैं जिसमें अब्दुल कदीर साहब का पूरा सहयोग है और हमारे टेक्नीशियंस हैं। एक अंडर बजट फिल्म है लेकिन फिल्म का जो अप्रोच है काफ़ी बड़ा है। लास्टली ये पूछना चाहूंगा कि कब शूट शुरू होगा और दर्शकों को कब तक दिखाई मिलेगी ये अपने। होली के बाद जो है शुरू होगा और लखनऊ के आसपास के तमाम इलाकों को, प्रतापगढ़ और जो भी है, हम लोग उसको शूट करेंगे क्योंकि फिल्म बेस्ड ही वहीं की है। और ये फिल्म को वहाँ पे ले जाने का मकसद ही यही है कि हमको जो रियलिटी फैक्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें जनता के, पब्लिक के, ऑडियंस के सामने आए। एक और दादा वाली के आज जो फिल्म है ये पूरी तरह से मोनोपोली और ग्रुपिंग और लॉबिंग का शिकार हो गई है। आज जो है गिल्ड है, बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के आने के बाद तमाम छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए दरवाज़ा बंद हो गया है, प्रोड्यूसर्स बहुत कम बचे हैं। और जो ड्रीम फ्राइडे, एक एक ड्रीम शुक्रवार का सपना लेकर
तमाम लोग यूपी बिहार पंजाब यहाँ वहाँ से आज भी वो सिलसिला चल रहा है, लेकिन जो कॉरपोरेट सेक्टर और बड़े प्रोड्यूसर्स और गिल्ड की जो मोनोपोली है उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो गया। छोटी फिल्में बनना बंद हो गई हैं, क्योंकि ईद सलमान की है, क्रिसमस आमिर का है, दिवाली शाहरुख की है, समर वैकेशन अक्षय का है, मल्टीप्लेक्स की सियासत अलग है। ऐसे में छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए अब्दुल कादिर साहब जैसे लोग आगे आ रहे हैं और फिल्म बनाने के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश का मैं हिस्सा हूं, इसके लिए मुझे फख्र है अब्दुल कादिर साहब के ऊपर। किस तरह गाना है, किस तरह का गीत संगीत है इस फिल्म में? सर सबसे पहले मैं शेखर मधुर, आप सभी सिनेमा जगत सिने प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि इस मूवी में 6 गाने 6 गाने हैं और आज का जो गाना रिकॉर्ड हुआ है नाजिम के अली जी के आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, रोमांटिक सॉन्ग था, और इसमें 3-4 गीत रोमांटिक सॉन्ग हैं और बहुत ही बेहतरीन है। तो ये बताइए कि जो गाने के जो बोल हैं जी, वो क्या दर्शाते हैं, किस तरह से फिल्म को? फिल्म जैसा कि मुझे फिल्म की स्टोरी के बारे में पूरा मैं नहीं कुछ कह सकूँगी, फिल्म रोमांटिक मूवी है और कॉलेज वगैरह में मतलब इस तरह का मूवी है, तो यंग जनरेशन के लिए जो है कॉलेज का, और सारे रोमांटिक गाने आज की फील्ड के जो गाने चल रहे हैं उस तरह के गाने को कंपोज करने का हमने प्रयास किया है। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, तो जो सिंगर्स होते हैं उनका कितना योगदान होता है, टेक्नोलॉजी का कितना योगदान होता है अच्छे गाने को निकालने के लिए? नहीं, सिंगर्स का तो भरपूर योगदान होता है, अगर अच्छा सिंगिंग न रहे तो फिर टेक्नोलॉजी से कितना उसको बेहतरीन किया जा सकता है, ऐसा टेक्नोलॉजी का भी है, लेकिन गायकी बढ़िया होनी चाहिए। जब हमारे अंदर की चीज़ें अच्छी रहेंगी तभी वो उभर के सामने अच्छी और अच्छी हो सकती हैं। जी थैंक यू।